सो है व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज प्रशांत एंड यू नाउ वॉचिंग प्रशांत क्रिएशन। तो गाइस आज वीडियो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एडिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप इन जो टिप्स मैं बताता हूँ आपको, अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो आप अपने एडिटिंग में 100% इतना प्रूफ लाएंगे कि जिस भी बैकग्राउंड साथ आप अपनी फोटो एडिटिंग करते हैं आप एकदम उसको रियलिस्टिक बना सकते हैं, एकदम बहुत अच्छा रियलिस्टिक बनाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, एकदम लास्ट तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ी से बता देते हैं कि रियलिस्टिक बनाने की जो ट्रिक्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन करते हैं एंड गाइस, तो हम सेकंड चलते हैं अपने इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर जाने के बाद गाइस ये हमारे पास एक मैंने पेज ढूंढा है, अगर आप इनको जानते हैं तो ये एक इंस्टाग्राम पर मॉडल है प्रतीक परदेसा है, उनकी जो एडिटिंग करते हैं पीजी क्रिएशन, तो ये वही भाई है तो ये एडिटिंग करता है कुछ। अगर आपको मैं और भी बताऊँगा कि कौन कौन से लोग हैं किस टाइप से एडिटिंग करते हैं एंड वो कौन सा इफेक्ट डालते हैं इसके इनसे, जिसकी उनसे जो फोटो है वो एकदम रियलिस्टिक दिखती है। तो गाइस सबसे पहले देखिए हम बताते हैं आपको, जस्ट इनके पहले पोस्ट पर चलते हैं, ये इनके कुछ पोस्ट हैं गाइस। अगर आप इनका इंस्टाग्राम देखेंगे, हैंडल देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह प्रोफेशनल इन्होंने एडिट किया रखा है, एकदम बायो भी बहुत अच्छा है। अगर आप इनको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, फॉलोअर भी इनके लगभग 60K हैं। ओके गाइस सबसे पहले इनकी जो लेटेस्ट पोस्ट है हम उसी को खोल के दिखा देते हैं आपको। ये है उनकी लेटेस्ट पोस्ट, ये लेटेस्ट पोस्ट है। अगर आप इसमें देखना चाह देखते हैं तो गाइस क्लियरिटी आप देख सकते हैं कितनी हैवी क्लियरिटी है गाइस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फ़ोटो फ़ोन से खींचा है तो गाइस ऐसा नहीं है। आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूं, अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं एक अच्छे लेवल पे, यानी किसी मॉडल्स के लेवल पे, जैसे आप सोच रहे हैं, जबकि अगर आप कोई भी फ़ोटो अगर कहीं पर भी डालते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरी जो फ़ोटो एकदम मॉडल की तरह आनी चाहिए, एकदम अच्छी आनी चाहिए प्रोफेशनल, ऐसा होता है। तो गाइस अगर आप सोच रहे हैं तो गाइस सिंपली मैं बता रहा हूँ, आप फ़ोन से उस टाइप की फ़ोटो एडिट या फिर एडिट तो कर सकते हैं लेकिन आप फ़ोन से उस टाइप की फ़ोटो शूट नहीं कर सकते। उसके लिए गाइस आपको क्या है, आप अगर आप अपने दोस्त को देख लीजिए, अगर उसके पास कैमरा है तो ठीक, वरना आप कैसे भी करके कहीं से कैमरे की जुगाड़ करके आपको सिंपली उसी से फ़ोटो शूट करना है। फ़ोटो शूट करने का तब आपको फ़ोटो एडिट करना है। जो इनकी जो फ़ोटो में क्वालिटी दे रहा है आप देख सकते हैं, एक एक जो टी शर्ट है वो टी शर्ट में जहाँ जहाँ सिकुड़न है वो भी क्लियर दिखाई दे रही है। अगर हम अपनी फ़ोटो पर देखते हैं तो हमारी ना टी शर्ट दिखती है ना हम खुद दिखते हैं, हमारा चेहरा भी साफ नहीं दिखता उसमें इस फ़ोन से। अगर आप फुल कवरिंग फ़ोटो लेते हैं अपनी फ़ोन से तो गाइस आप देख सोच सकते हैं, आपका जब कैमरा इतनी दूर पर रहता है एंड आपका जो फ़ोन का कैमरा 13 या 14 मेगापिक्सल होगा अगर आप नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते हैं, अगर आप कोई हाई फ़ोन यूज़ करते हैं जैसे आईफोन वगैरह या फिर कोई ETC बड़े फ़ोन हैं जिनकी रेंज है 30,000 से ऊपर, तो उनसे तो अगर आप करना चाहें ऐसे फ़ोन का एडिटिंग तो आप कर सकते हैं। वो भी कब, जब आप नेचर में जाके फ़ोटो खिंचाएंगे गाइस, तब आपका जो फेस पर जो नेचुरल लाइट है गाइस तो उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं इस टाइप की। तो आज इनके थोड़ी दूसरी फ़ोटो खोल के भी आपको दिखा देते हैं हम, जस्ट ये जस्ट हम इस फोटो को खोल लेते हैं। फ़ोटो काफ़ी अच्छे पोज मारा है उन्होंने एंड काफ़ी अच्छा एडिट किया है, क्लियरिटी का एकदम झकास है गाइस। सबसे बड़ी बात बता दूं, अगर आप फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो उसमें आपके जो पैर हैं, पैरों में आपके कभी भी सैंडल या चप्पल्स नहीं होने चाहिए, आपके पास गाइस प्रॉपर एक शूज़ होने चाहिए। शूज़ आपके पास कैसे भी हों, आप अगर बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो आपके पास शूज़ होने चाहिए अच्छे। और गाइस मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास रेड कलर के शूज़ हैं तो गाइस उन्हीं को पहन के आपको फोटो शूट कराना है, क्योंकि रेड कलर के शूज़ में आपको एक प्रॉफिट मिल जाता है। अगर आपके शूज़ रेड कलर के हैं तो आप उनका कलर है वो चेंज कर सकते हैं, आप ब्लैक कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, ETC जो भी कलर चाहें आप वो कर सकते हैं रेड कलर के साथ। गाइस अगर आपको सीखना है कि रेड कलर के शूज़ को ब्लैक कैसे करना है तो गाइस इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं कमेंट कर देना गाइस, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा अच्छा सा। ओके गाइस ये जो अगर आप प्रॉपर शूज़ पहन के फ़ोटो खिंचाएंगे तो गाइज आप इसके शेडो एकदम अच्छी तरह क्रिएट कर सकते हैं, जिससे गाइज एकदम फ़ोटो रियलिस्टिक लगेगा। एंड ये कुछ इम्प्रूवमेंट ट्रिक है गाइज, देख सकते हैं आप इनकी एक ही फ़ोटो देखेंगे, इन्होंने एक में भी सैंडल या चप्पल्स नहीं पहने, जो हम लोग अपन खींच लेते हैं फ़ोटो एंड चप्पल्स के साथ एडिट कर देते हैं, बहुत ही भद्दा एंड बेकार लगता है। और गाइज आपको एक ट्रिक और देता हूँ, जब भी आज आप फोटो शूट करेंगे आप, तो आपको सिंपली अपना क्या करना है, या फिर तो आप अपनी छत पे चले जाइए, छत पे तो काफ़ी नेचुरल एंड आप 5 से 6 बजे के टाइम फ़ोटो शूट करते हैं तो आपकी जो फ़ोटो एकदम काफ़ी अच्छी आएगी गाइस, ठीक है। 5 से 6 बजे के टाइम अगर आप सनलाइट के सामने फ़ोटो एडिट करते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं, तो गाइस वहाँ पे आपकी जो फ़ोटो वो काफ़ी अच्छी आएगी गाइस। ये हमारे सामने एक पेज खुला है, हमने इनकी फ़ोटो भी काफ़ी अच्छी एडिट करने लगे हैं ये अभी अगर आप YouTube पे जानते हो तो आखिर एडिट्स नाम है इनका, अगर आप एडिटिंग जानते हो तो गाइज ये एडिटिंग काफ़ी अच्छी करते हैं।
ये नहीं कि एडिटिंग में एकदम रियल सा लुक आता है। वैसे हाँ, कहाँ बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अगर आप छत पर फोटो शूट करते हैं तो वैसे आपके चेहरे पे सनलाइट आती है, वो सनलाइट से गाइस आपके फोटो में जब भी आप कोई कलर करेक्शन करते हैं तो गाइस आपका चेहरा एकदम रियलिस्टिक सा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि आप उसी बैकग्राउंड के साथ मर जाएं आप पूरा गाइस। तो सिंपली ये ट्रिक को आप जरूर फॉलो करना जब भी आप फोटोशूट कराने जाओ, तो गाइस आप कहाँ पर आप या तो नेचुरल में जाओ या फिर आप घर में, या अगर आप बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो इमेज का, तो आप सिंपली अपने छत पर जाकर अपने अपने फोटो को शूट कर सकते हैं। गाइस थर्ड टिप्स कौन सी गाइस, अगर आप फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो गाइस बैकग्राउंड जो अगर आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड देखते हैं तो गाइस उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने एक वीडियो उसके ऊपर प्रॉपर बना के रखी है, अगर आप उसको देख लेंगे तो गाइस आपको एकदम तरह तरह के न्यू तरह के एकदम ट्रेंडिंग बैकग्राउंड वो आपको मिलेंगे गाइस, जिसके ऊपर मैंने दो वीडियो बनाई है ऑलरेडी, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक है एंड मैं एंड स्क्रीन में भी इसका लिंक दे दूंगा उन वीडियो का गाइस, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं हम जो हमारी थर्ड टिप थी, उसके लिए आपको क्या, अगर आप फोटो का बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो गाइस उसका जो एंगल होता है आपका फोटो शूट का, तो गाइस वो आप बहुत गलत लेते हैं। अगर आप देखिए जो एकदम इनके 1 मिनट आप इनको टैग की फ़ोटो दिखा देते हैं गाइस, इसमें बहुत से लोग हैं जैसे गाइस कुछ लोग तो फोटो काफ़ी अच्छा एडिट करते हैं, लेकिन गाइस ये कुछ भी ना बहुत से लोग आप देख पा रहे हैं जो इनके फ़ोटो का एंगल है वो गाइस एकदम बहुत रॉन्ग तरीके से लेते हैं गाइस। अगर आप फोटो का एंगल एकदम 90 डिग्री पर रखते हैं तो और गाइस उसके साथ आप कोई भी बैकग्राउंड को मर्ज करते हैं तो गाइस फोटो एकदम रियलिस्टिक लगेगा, आप इस बात को पक्का समझ लीजिए गाइस। देख सकते हैं इनकी जो फोटो, मान लीजिए गाइस ये फोटो एकदम 90 डिग्री के एंगल पर खिंचा हुआ है, एकदम सीधे कैमरे से खिंचा हुआ है एंड गाइस ट्राईपोड पर रखे खिंचा हुआ है। सबसे पहले अगर आप कैमरा नहीं खरीदना चाहते तो आपको सजेस्ट करता हूँ मैं, आप ट्राईपोड ले लीजिए, ट्राईपोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 300-400 रुपये का ट्राईपोड है, उसमें कुछ नहीं जाता गाइस। तो अगर आप थोड़ा बहुत तो बेसिकली गाइस हम ट्राईपोड कर बात कर रहे थे ट्राईपोड की गाइस, अगर आप ट्राईपोड को परचेस कर लेते हैं तो गाइस आपको जो फोटो का एंगल एकदम 90 डिग्री पे आएगा, जिससे आप फोटो एडिटिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से अच्छे बैकग्राउंड के साथ अपनी इमेज को मर्ज कर सकते हैं गाइस। देखिए आप इनकी हर एक फोटो को देख सकते हैं एकदम 90 एंगल पर फोटो खिंची रहती है, इससे इनकी फोटो एकदम रियल सी लगती है अपने बैकग्राउंड के साथ। एंड गाइस ये तो जो 3 टिप्स थी ये थी 8 जो फोटो के एडिटिंग से पहले होती हैं गाइस। अब कुछ ट्रिक होती हैं फोटो एडिटिंग में, तो फोटो एडिटिंग में जो टिप्स होती ट्रिक होती हैं वो रहती हैं क्या, सिंपली गाइस देख सकते हैं आप ये जो फोटो है गाइस इसके पीछे जो लाइट आ रहा है गाइस, लाइट से अगर इन्होंने अपने जो जी अपने पहले इन्होंने अपनी इमेज का बैकग्राउंड इरेज किया होगा एंड जो लाइट है गाइस उसको जो फ्लेयर लगाया है गाइस, आपको फ्लेयर अपने फोटो में ऐसे सेट करना होता है जहाँ एंड अपने कपड़ों से मैच करते हुए फ्लेयर को सेट करना होता है। इनकी हुडी है ना, तो गाइस इन हुडी पे इन्होंने इस टाइप की लाइट लगाई है जिससे इनकी जो कट है थोड़ी थोड़ी कट्स में लाइट आ रही है एंड जो रियल सा लुक दे रही है गाइस। ये जो ट्रिक दे रहा हूँ मैं ये है आपके फोटोशॉप वाली या फिर आप पिक्स आर्ट में जिसमें भी एडिटिंग करते हैं गाइस उसमें आपको ऐसे ही सेम करना है गाइस। अगर आप इस टाइप की फोटो एडिटिंग करनी है तो आपको अपने गर्दन के पास एक फ्लेयर लगाना होगा जिससे जो आपके कपड़ों को कवर करे एंड पीछे से जो लाइट देगा वो एकदम हैवी देगा, जिससे आपकी जो जो कपड़ों की कट है वो एकदम रियल सी लगेगी, जैसे आपने वहीं पर खड़े होकर फोटो खिंचाया गया। चारों तरफ से देख सकते हैं इन्होंने जो डॉज मारा है अपनी चारों तरफ से कपड़ों में, तो गाइस वो एकदम हैवी है। एंड गाइस जो हमारी अगली ट्रिक आती है वो आती है हमारी हेयर कट की, जो है अगर आप सिंपल कटिंग रखते हैं तो आपको फोटोशॉप में उन जो बालों को आपको एकदम अच्छी तरह बारीकी के साथ आपको इरेज करना होगा, सिंपल बाल अगर आप रखते हैं तो। अगर इस टाइप के बाल रखते हैं तो आपको सिंपली क्या करना, अपने बालों की आपको टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ बालों के लिए आपको सिंपली क्या करना, सबसे पहले जब आप बैकग्राउंड इरेज करते हैं तब आपको सिंपली बाल बाल इरेज कर देना है एंड जो एक टूल एंड एक ब्रश आता है, ब्रश से आप थोड़ा थोड़ा ऊपर से यहाँ पे कर देंगे तो आप देख सकते हैं एक एक बाल इनका नज़र आ रहा है, वो उस टाइप से आप लगा सकते हैं एकदम, ये PNG बना के आप फोटो में लगा दीजिए तो ये एक रियल सा लुक देती है अपने फोटो में। गाइस एक ट्रिक और है जो हम बता देते हैं आपको, वो है गाइस अगर आप कभी भी फोटो शूट करा रहे हैं तो गाइस अगर आपके पास कोई एक्शन नहीं है आंखों से देने के लिए या फिर आपके पास कोई लुक नहीं आ रहा अच्छा सा, तो गाइस आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको अपनी आंखों पे चश्मा लगा लेना है। चश्मा लगाने से आपके लिए एक प्रॉफिट हो जाता है, आप किस टाइप की भी लुक दे सकते हैं, आपको सिंपली अपना फेस का लुक दे रहा है एंड आपको आंख इधर उधर करनी है कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली आपके चश्मे में आपको दिखेगा नहीं। एंड गाइस अगर फोटो एडिटिंग करते हैं तो चश्मा आपको ले लेना है एक, बस उसके बाद ही आप फोटो शूट पर जाएंगे। चश्मे से आप को जो फोटो एकदम बहुत अच्छी आती है गाइस। और अगली जो ट्रिक है वो गाइस हमारे जो हाथ में एक बैंड, अगर आप के पास कोई बैंड
पढ़ा तो होगा वैसे, आजकल सभी के पास हाथ में बैंड वगैरह होते हैं, ऐसा आपको बैंड ले लेना एंड आपके पास वॉच तो होगी ही होगी। तो वॉच ये दोनों चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए गाइस। इस टाइप से इन्होंने जब अपने पूरे बॉडी को मेंटेन किया हुआ है गाइस, इस टाइप से आपको मेंटेन करना अपने हाथ में ये सब चीज़ लगा के, तब आपको फ़ोटो खिंचवाना है ठीक है, तब आपको फोटो शूट कराना है गाइस। देख सकते हैं आप इनके हर एक फोटो में आपको इनके हाथ में वॉच मिल जाएगी एंड गाइस उनका बैंड है वो मिल जाएगा एंड हर एक फोटो में इन्होंने चश्मा पहना हुआ है गाइस देखिए ठीक है। ये गाइस ये जो ट्रिक है ना ये बहुत ही मेन ट्रिक है आपकी फोटो एडिटिंग के लिए। या किसी भी एडिटर को देखते हैं गाइस, जैसे हम दिखा देते हैं आपको एक फेमस एडिटर हैं, इनको आप जानते होंगे अगर आप एडिटिंग करते हैं तो गाइस, ये VM विजय महार है इसका नाम। तो ये जो एडिटिंग करते हैं तो देखिए आप हर एक फ़ोटो में, इनके फ़ोटो में आपको चश्मा मिल जाएगा। कुछ फ़ोटो है लेकिन ये थोड़ा हाई प्रोफाइल एडिटर हैं इसलिए इनकी कह नहीं सकते, अपन लोग इनकी बराबरी नहीं कर सकते एडिटिंग में। देख सकते हैं एकदम कुछ अच्छी तरीके से पोज देते हैं गाइस। ये भी अपनी सिंपली छत पर जाके नेचुरल लाइट में ही पोज देते हैं गाइस, तब ये इतनी अच्छी फ़ोटो एडिटिंग कर पाते हैं गाइस। अगर आप सोचते हैं कि आप कमरे में रह के बल्ब के सामने कोई पोज देंगे तो गाइस सिंपली मैं आपको बता दूं आपका फ़ोटो बहुत लाइट वाला आएगा, आप उसको अच्छी तरह मैनेज नहीं कर सकते अपनी एडिटिंग के लिए गाइस। अगर आपको इस टाइप से एडिटिंग करनी है तो गाइस सिंपली आपको छत पर जाके या फिर सनलाइट में, आपको छत पर नहीं, आप बाहर या ग्राउंड में जाओ या फिर पार्क में जाके आप फोटोशूट कराते हैं बस, वहाँ पे आपको सनलाइट में जाकर फोटोशूट कराना है। सनलाइट में फोटोशूट का एक ही फ़ायदा होता है, जो आपकी कलर करेक्शन होती है वो बहुत अच्छा कर देता है गाइस ठीक है। तो ये मैंने जो ट्रिक बताई है, अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो कर लेते हैं तो गाइस मैं सच्ची बताता हूँ आपकी जो एडिटिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव, बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी गाइस अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो कर लेते हैं। एक आप एकदम प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। और गाइस एक बात और बता दूं, अगर आपका बॉडी मेंटेन, आपको सिंपली बॉडी अपनी अगर एडिटिंग करते हैं तो बॉडी आपको मेंटेन करके अपनी रखनी होती है गाइस। मोटी ना आप ज़्यादा मोटे हो ना ज़्यादा पतले हो, अगर आप सो देखते हैं ज़्यादा मोटे लोग होते हैं तो वो अपने बैकग्राउंड को पहले अपने से मर्ज करते हैं तो गाइस थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बदल सकते हैं एंड जस्ट आप पतले होते हैं तो गाइस आपकी फ़ोटो बहुत छोटी सी रह जाती है एंड बैकग्राउंड काफ़ी बड़ा निकल जाता है जिससे आप मैच नहीं कर पाते। तो सिंपली बता दूं आप अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखिए जिससे आपको एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस ये जो ट्रिक है अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो एडिटिंग में 100% इतना इम्प्रूव आएगा, आप बहुत ही अच्छा इम्प्रूव आएगा आपकी एडिटिंग में। बस वीडियो में इतना ही था, उससे जाने से पहले गाइस आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, हमारे यूज़र नेम ये है लाइनशिप और 5_ है गाइस। उसके बाद आपको क्या है सिंपली, अगर आप यहाँ से नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा गाइस, वहाँ पर जाके आप उसको डाउनलोड कर हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे गाइस एंड हमारे यूट्यूब चैनल को है सब्सक्राइब जरूर कर लेना ओके गाइस। यहाँ पे मैं कुछ पोस्ट डालता रहता हूँ, ये काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट डालता रहता हूँ जिससे आप लाइक करिए एंड मुझे मोटिवेट करिए जिससे मैं आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी एकदम इंटरेस्टिंग कुछ अलग हटके एडिटिंग में एडिटिंग के फील्ड में कुछ ऐसी अच्छी वीडियो लेके आऊँ जिससे आप अपनी एडिटिंग को इतना अच्छा इंप्रूव कर सके गाइस। आपके लिए इंप्रूवमेंट की वीडियो लेके आऊँगा मैं आगे, और तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम ओके बाय।